योग का जौहर बनना इसका तात्पर्य है। हिस्ट्री में जब राजाएं लड़ाई पर जाते थे तो दिखाते हैं कि भारत की रानियां जौहर कर लेती थी, अर्थात विदेशियों की नजर न पड़े, विदेशी जीत जाएं तो विधर्मियों का साया भी न पड़ सके। वो रानियों को अपने कंट्रोल में न ले सके, इसलिए वो अग्नि में जल मरती थी। वो तो भक्ति मार्ग की अग्नि है, असली अग्नि कौन सी है? ये संगम युग में असली अग्नि है योग अग्नि, जिनकी सच्ची लगन होती है एक के साथ, वो दूसरे का परसाया भी अपने ऊपर नहीं पड़ने देंगे। उसको कहा जाता है सच्ची याद, एक बाप दूसरा न कोई, ये है याद का जौहर। योग का जौहर कहा जाता है, योग माना लगाओ, लगन, सच्ची लगन। भगवान के बच्चे को ब्राह्मण और ब्राह्मणिया कहेंगे, देवता नहीं कहेंगे। भगवान के बच्चों को, भगवान के बच्चे को, हाँ भगवान ब्रह्मा के तन में आते हैं ना, देवताएं थोड़े ही होते हैं। देवताएं किसके बच्चे होते हैं? हैं? देवताएं जो होते हैं वो भगवान के बच्चे होते हैं या लक्ष्मी नारायण के बच्चे होते हैं? लक्ष्मी नारायण के बच्चे होते हैं। और हम ब्राह्मण किसके बच्चे हैं? भगवान के बच्चे हैं, क्योंकि भगवान ब्रह्मा के तन में आता है, इसलिए श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, क्योंकि भगवान के बच्चे हैं। देवताओं से भी ऊंच भगवान है। और देवता भगवान का है, ब्राह्मण भी है, इसीलिए तो हम ब्राह्मण हैं, हम देवताएं नहीं हैं। देवताएं तो बुद्धू होते हैं, और ब्राह्मण, ब्राह्मण तो ज्ञान सागर के बच्चे हैं, समझदार हैं, बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे हैं, इसलिए ब्राह्मण ऊंचे हैं। और बाबा मुरली में तीन शब्द आया है, घंटी, घंटा और नगारा। हाथ उठा दिया करो। हाँ, घंटी, घंटा और नगारा। बाबा ये जो घंटी, घंटा और नगारा किस किस टाइम में बजेगा? तीन घंटियां बजेंगी,
वो हैं घंटियाँ, छोटी छोटी आवाज करती है, और घंटा बड़ा आवाज करता है। विनाश होगा तो घंटे बजेंगे या घंटियां बजेंगी? घंटे बजेंगे, ज्यादा आवाज होगा। विष्णु के मंदिर में, कृष्ण के मंदिर में, या और देवताओं के मंदिर में नगाड़ा नहीं दिखाया जाता है। नगाड़ा सिर्फ शिव शंकर भोलेनाथ के मंदिर में दिखाया जाता है। ज्यादा आवाज बांसुरी करती है, घंटियां करती है, या और वाद्य यंत्र करते हैं, या नगाड़ा करता है। नगाड़े की तीखी आवाज होती है। विनाश के नगाड़े कहा गया है। इसलिए शिव के मंदिर में नगाड़ा दिखाया जाता है। गड़गड़ाहट की आवाज और सब वाद्य यंत्रों को नीचा कर देती है। हाँ बाबा, बहुत दिनों से जो बात सुनते चले आ रहे हैं, कन्फर्मेशन हो जाए तो सच्ची बात है। हाँ तो बाबा, माया की सरेंडर हो जाएगा इसे? माया की तो सरेंडर हो गई। प्रकाश मणि से कनेक्टेड कर रहे हैं क्या? एक है बीज रूप आत्मा, एक है आधार मूर्त आत्मा। ज्यादा पावर किस में होती है? बीज रूप में। प्रत्यक्षता का काम आधार मूर्तों के द्वारा होगा या बीज रूप आत्माओं के द्वारा होगा? बीज रूप आत्माओं के द्वारा होगा। देखने में भी आता है, जो आधार मूर्त जड़े हैं और धीरे धीरे साथ शरीर छोड़ती जा रही है, और जो बीज रूप आत्माएं हैं उनमें प्रवेश करके अपनी मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त करते हैं। तो बीज अविनाशी होता है। जड़ों को, टहनियों को अविनाशी नहीं कहेंगे। ये सब रंगमंच के पार्टधारी हैं। देह का मनुष्य सस्य रूपी वृक्ष है, उसमें बीज भी है, जड़ें भी हैं, तना भी है, टहनियां भी हैं, पत्ते भी हैं, फल भी हैं, फूल भी हैं। माया का पार्ट बजाने वालों में जड़ें भी हैं। तो उन जड़ का बीज भी है।
जड़ें सदा काल का पार्ट बजाती हैं या बीज सदा काल का पार्ट बजाता है? बीज अविनाशी है, इसलिए 84 जन्म लेने वाला है। और ब्रह्मा के द्वारा श्री बाबा ने जो वाणी चल रहा है उसको मूर्ति कहते हैं। अभी बाबा की मूर्ति जो वाणी चल रहा है काम के द्वारा उसको भी मूर्ति कहते हैं, लेकिन तिलका जी के द्वारा ब्रह्मा की जो वाणी चलाते हैं उसको अव्यक्त वाणी कहते हैं। ये कैसे मैं बोला अव्यक्त बाप दादा का शब्द का उच्चारण इसलिए किया जाता है कि ब्रह्मा की सोल जब पूजा जी में प्रवेश करते हैं उनका बुद्धि जो श्री बाबा के साथ रहते हैं, जो जब भाग रहते हैं तो श्री बाबा वो जो अभ्यक्तवाणी का जो पॉइंट है वो सप्लाई देते हैं या ब्रह्मा की सोल अपना बुद्धि भाग के उसको वाणी चलाते हैं? लंबा प्रश्न हो गया, थोड़ा कंसाइज करो, क्या पूछना चाहते हैं? एक याद में रह करके वाणी चलाना होता है, वो तो हम सभी बच्चे यही प्रैक्टिस करते हैं कि बाबा की याद में रह करके दूसरों को ज्ञान सुनाए। तो परंतु अंतर हो सकता है या नहीं हो सकता है? सुनाने सुनाने में हो सकता है, नंबर वार याद होती है। जितना जितना गहराई से ज्ञान को समझने वाला होगा उतना ही गहराई से समझावेगा। कृष्ण की आत्मा ज्ञान के तंत्र को 100% समझने वाली है या नंबर वार की स्टेज में है? क्योंकि कृष्ण की आत्मा की बुद्धि में अभी तक भी ये पॉइंट नहीं बैठा होगा कि गीता का भगवान कृष्ण साकार में कैसे नहीं है। तो कृष्ण की आत्मा भगवान भगवती की लिस्ट में है या देवी देवता की लिस्ट में है? अव्वल नंबर देवता की लिस्ट में तो है, लेकिन भगवान भगवती की लिस्ट में टाइटलधारी के रूप में भी नहीं है। तो भगवान की वाणी में और देवता की वाणी में प्रत्यक्ष अंतर दिखाई पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? है? पड़ेगा। भगवान की वाणी है ज्ञान की वाणी, एक एक महावाक्य से ज्ञान टपकता है, और देवताएं होते हैं धारणावान। उन देवताओं में भी पहला देवता है कौन? कृष्ण। तो उसकी वाणी के एक एक महावाक्य से क्या टपकता है? धारणा के पॉइंट टपकते हैं, तो अंतर स्पष्ट दिखाई पड़ता है। क्योंकि कृष्ण की आत्मा या ब्रह्मा की आत्मा कहो, दादा लेखराज की आत्मा बल याद में रहती है, परंतु ज्ञान का तंत्र बुद्धि में नहीं बैठा हुआ है, इसलिए उस वाणी का नाम अव्यक्त वाणी रखा गया है। मुरली नहीं कही जा सकती, मुरली कब कही जाती है? जब सुनाने वाला सिर्फ एक शिव ज्योति बिंदु हो,
जो मुरली के कोई बात के साथ नहीं कर सकते और व्यक्त वाणी में बोला है कि माँ की भी बात माननी चाहिए। तो ये बात तब ही बोली जाएगी जबकि माँ बाप के पैरेलल चलने वाली हो, कोई बात में काट करने वाली न हो। और जिस बाबा अभी दो तीन दिन हो गया अश्रुत का दो नंबर के प्लान हो गया, ये तो ब्रह्मा की वाणी नहीं बोला ना, व्यक्त वाणी ने तो ब्रह्मा की आत्मा बोला ना, शिव बाबा उसको माना ब्रह्मा की आत्मा ने जो बोला वो हम प्रैक्टिकल जीवन में ये देख रहे हैं कि ब्रह्मा की वाणी अर्थात अव्यक्त वाणी से जो भी वाक्य बोले गए वो कोई भी वाक्य मुरली के वाक्यों को काट करने वाली नहीं है। तो मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए? मानना चाहिए। अगर ये कहें कि हम तो मुरली की बात को मानेंगे, अव्यक्त वाणी की बात को नहीं मानेंगे, तो हमारा प्रवृत्ति मार्ग कहा जाएगा या निवृत्ति मार्ग कहा जाएगा? है तो हम निवृत्ति मार्ग के हो गए। जो भी निवृत्ति मार्ग वाले धर्म के लोग हैं वो सिर्फ ज्योति बिंदु को मानते हैं, या जिसमें प्रवेश करता है उसको भी मानते हैं, वो सिर्फ निराकार को मानते हैं। तो अगर प्रवृत्ति मार्ग का पक्का बनना है तो अव्यक्त वाणी को भी मान्यता देनी पड़े। भारती कितने आत्मा कितना हजार आत्मा का हो गया, तो कल बहुत से पूछते हैं। अगर कहें ज्यादा हजार आत्माओं का हो गया तो हमारे में ज्यादा पावर आ जाएगी क्या? हम लोग का कंफ्यूज जानकारी नहीं है। पांडव पांच होते हैं या ढेर होते हैं, ये बात तो बुद्धि में आनी ही नहीं चाहिए कितनों ने भट्टी कर ली। जबकि हम जानते हैं कि जो पहले पहले आत्माएं आती हैं वो पावरफुल होती हैं, ओल्ड इज गोल्ड कहा जाता है। बाद में जो तबका आता है उसमें ज्यादातर कचरा मिक्स हुआ आता है, कम क्वालिटी वाली आत्माएं आती हैं। तो संख्या को गुनना अच्छा है, नंबरलिटी में जाना है या क्वालिटी को देखना अच्छा है? हमारी नजर कहाँ जानी चाहिए? क्वालिटी में हमारी नजर जानी चाहिए कि आज से निकले हुए और अभी अंत तक टिके हुए कितने हैं। निभाने के नंबर होते हैं। और मतलब सुना 2018 के अंदर सारे चालदार पूरा से पूरा भर्ती कर देंगे। कौन सी बात कर रहा है? किसी ने नोट किया इस बात को? ये बात निश्चित कर दी गई कि 2018 तक 4.5 लाख भर्ती कर लेंगे। आज ही सुना नंबर दिया, हम दूसरे लोगों से कंफर्म कर रहे हैं कि किसी ने ये पॉइंट वार्तालाप में सुना, तो कोई भूत प्रेत तो नहीं आ गया अंदर? जरा ध्यान से नोट कर लिया करो। और हाथ उठा दे।
ब्रह्मा को कहते हैं चतुरानन, पंचानन भी कहते हैं। पंचानन के लिए बाबा ने बोला है आदि में दो, अंत में दो, बीच में, इसलिए एक्सप्लेनेशन दिया है। आदि में अगर ऐसे मान लेगा तो एक्सप्लेनेशन कर दीजिएगा, कौन कौन होता है, क्योंकि आदि में जो था राम वाली आत्मा वही राम वाली आत्मा अंत में आ जाता है, हिसाब से होगा। और बीच में दादा लेख राज है, दो दो चार पाँच हुए, लेकिन आदि में आउट दो थे जो उनकी गिनती होती है, जिसकी गिनती होती है वो देहधारी की गिनती होती है या आत्मा की गिनती होती है? आदि में जो देहधारी थे वो अलग थे, और अंत में जो देहधारी पार्ट बजाते हैं वो अलग मोहड़े हैं। तन अलग है, तन का ही नाम होता है, आत्मा का नाम नहीं होता है। तो आदि में जो बच्चे में प्रवेश करके बाबा तीन कराते थे तो वो कौन हुए? ब्रह्मा हुए, वो भी आउट आउट दो हुए। जो अंत में हुए वो भी ब्रह्मा हुए? आदि में रामबल शिवक्रम में तो फिर आत्मा के ऊपर आ गए, आत्मा को नहीं पकड़ना है। जो भी नाम है वो आत्मा के ऊपर रखे गए हैं या देह के ऊपर रखे गए हैं? देह के ऊपर नाम है, वो चित्र अलग आदि वाले और अंत वाले चित्र अलग। आदि वालों में और दूसरी आत्मा का प्रवेश नहीं था, और बाद वालों में और आत्माओं का भी प्रवेश है। हाँ जी हाँ जी, सुबह का अमीर का मतलब सतगुरु की सवेरा, वो कब से शुरू होता है? अरे सवेरा कब से शुरू होता है, क्या उसमें प्रमाण आ जाता है कि उसको सवेरा कहा जाता है? ज्ञान सूर्य प्रकट होता है तो उसको कहते हैं सवेरा। सुबेरा या सवे सुबह का अमीर, तो सवेरा कब होता है? ऐसा बेहद में कौन से युग में होता है? जो संगम युग में बाप प्रत्यक्ष होता है प्रैक्टिकल में, वो ज्ञान सूर्य प्रत्यक्ष होने का टाइम ही संसार में सवेरा कहा जाता है। जिस मुकर्रर रथ के द्वारा प्रत्यक्ष होता है वो सारी दुनिया के बीच में सबसे जास्ती अमीर कहा जाता है। ऐसे ओम मंडली को भी सबसे जास्ती अमीर बताया है, लेकिन ओम मंडली में भी तीन मूर्तियां हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश, लेकिन उनके तीन तबके हैं। कोई ऊंचे तबके में है, कोई मीडियम है और कोई नीचे तबके में है। इसलिए सवेरे का अमीर माना विश्व का बादशाह है, और शाम का फकीर। शाम कब कहेंगे हैं? द्वापर कली, द्वापर को कहेंगे हैं? कलयुग का अंत जब सनसेट पॉइंट की यादगार दिखाई गई है, सबके मन में अंधेरा छा जाता है। 76 से पहले
सूर्य जैसे छिप गया, अंधेरे में चला गया, उस समय वही आत्मा जो आज में दुनिया की सबसे जास्ती अमीर साहूकार थी, विश्व का मालिक थी, वो किस स्टेज में आ जाती है? शाम का फकीर संचत्तर में। इसलिए बोला सुबह का अमीर, शाम का फकीर। और वेद और गीता, तो एक मुरली ने सुना है पहले गीता बाद में वेद, तो मुरली में ये बात नहीं बताई गई कि पहले गीता है बाद में वेद निकले। विद माना जानकारी, ज्ञान। और उससे जो शास्त्र बना उसका नाम है वेद। तो बेसिक नॉलेज को क्या कहेंगे? कुछ जानकारी है या नहीं है? कहते हैं ब्रह्मा के मुख से वेद निकले। गीता निकली ऐसे नहीं कहते। तो जानकारी निकली, ईश्वरीय ज्ञान की बेसिक नॉलेज निकली, वेदवाणी तो है। ब्रह्मम वाक्यम तो है। कहते हैं ब्रह्मम वाक्यम जनार्दनम, आकाश वाक्य होता है। मुरली का एक एक वाक्य कोई काट नहीं सकता। जैसे सच्चाई अकाट्य होती है, अविनाशी होती है, ऐसे ही वेद है। परंतु भक्ति मार्ग में जिनको वेद कहा जाता है, वेद की ऋचाएं कहा जाता है, उन ऋचाओं को सब कोई समझ सकता है क्या? समझ सकता है? नहीं समझ सकता है। वेद की भाषा और उसका इंटरप्रिटेशन भारतवर्ष में हिंदी में एक ही विद्वान हुआ है, श्री रामचंद्र शर्मा आचार्य, जिन्होंने सब वेदों की टीका लिखी है। वो तो भक्ति मार्ग की बात हो गई, भक्ति मार्ग के वेद हो गए। यहाँ हमारा वेद कौन सा है? मुरली। बेसिक नॉलेज का ओरिजिन, वो जब तक व्याख्या उसकी सामने ना आवे तब तक उसकी समझ कोई की बुद्धि में बैठ नहीं सकती। बल मुरली मुरली के रूप में आई, वेदवाणी के रूप में आई, जैसे कि बहुत से कवियों ने कविताएं लिखी हैं, परंतु उन कविताओं का सही अर्थ भगवान बाप आकर के समझाते हैं। वो कविता करने वाले खुद उसका सही अर्थ नहीं जानते थे। ऐसे ही
जो वेद की वेदवाणी अर्थात मुरली निकली है, बल ब्रह्मा के मुख दादा लेखराज के मुख से निकली है, परंतु उसके तंत्र को, उसके मर्म को ब्रह्मा स्वयं भी नहीं समझते थे। उसकी समझानी भगवान बाप को टीचर बनकर के देनी पड़ती है। वहां भी है बेहद का श्री रामचंद्र शर्मा आचार्य, उसके अलावा और कोई पूरी समझानी नहीं दे सकता। तो पहले वेद हुए या पहले गीता हुई है? संपूर्ण ज्ञान किस में है, गीता में है या वेद में है? गीता में संपूर्ण ज्ञान है, समझने योग्य ज्ञान है, कोई काट नहीं सकता। और विधान का ही तो विधान कॉन्स्टिट्यूशन गीता की है। विधि, विधाता और विधान, विधि बताने वाला कौन है? विधाता ही है। और वो गीतापति भगवान कहा जाता है, गीतापति भगवान जो रचना रचता है, उस रचना का नाम गीता है। गीता माता है तो रचना है या रचयिता है? गीता माता क्या है? रचना है। गीता पति भगवान रचयिता है। तो रचयिता की बुद्धि में गीता का रोम रोम जानकारी में है। एक एक शब्द का डिटेल है। गीता माता है और वो गीता पति भगवान है। ये प्रवृत्ति मार्ग है, उसको गीता शास्त्र कहा जाता है, सर्वशास्त्र शिरोमणि कही जाती है। शास्त्र कहा जाता है शासन करने का विधान, सबसे ऊंचा शास्त्र कौन सा हुआ? गीता। सब शास्त्र शिरोमणि। तो दुनिया में सबसे श्रेष्ठ शासन किसने किया होगा? गीता माता ने करके दिखाया, लेकिन किसकी मत पर है? भगवान बाप की मत पर। इसलिए शास्त्र माना शासन करने वाला विधान। तो भक्ति मार्ग में तो जरा शास्त्र दिखाया है और यहाँ है चैतन्य गीता माता। शासन करने वाला चैतन्य में होना चाहिए या जड़ में होना चाहिए? चैतन्य होना चाहिए। और उसका नाम रख दिया है कुदरत, प्रकृति। उसको कहते हैं प्रकृतिपति और उसको कहते हैं प्रकृति। श्रेष्ठ न्याय करता, दूध का दूध और पानी का पानी करने वाला है। देर हो सकती है लेकिन अंधेर
अंधेर नहीं होगा। प्रश्न क्या है? उसको क्या जो गीता माता है इसको संघार की जगह इसको गीता सच्ची गीता और झूठी गीता। भगवान आते हैं तो झूठी गीता झूठी ही बनी रहती है अंत तक, या उसको भी सच्चा बनाते हैं, झूठों को भी सच्चा बनाते हैं। और जो सच्ची गीता है उससे बनता है एक सेकंड में ब्रह्मा सो विष्णु। और झूठी गीता से बनता है नरक, सच्ची गीता से बनता है स्वर्ग, वो है शिव की गीता और वो है कृष्ण की गीता। जिस गीता के दिल पर कृष्ण की छाप है, दिल के ऊपर छाप पड़ती है ना, तो जिसके दिल पर कृष्ण की छाप है वो है झूठी गीता, और जिसके दिल पर शिव शंकर भोलेनाथ की छाप है वो है सच्ची गीता। कानपुर में तो अमरनाथ का मंदिर बना हुआ है, आपके लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं। इस साल में वो अमरनाथ का चढ़ाई शुरू होने के पहले ही वो किसी को गल गया है, अभी कई समय में बाबा अमरनाथ पढ़ने जा रहा है। बाबा ने बोला है कि पहले भी बाबा अमरनाथ की यात्रा पर गया था, वहां सवेरे सवेरे जाकर देखा तो कोई एक ब्राह्मण छोकरा जाकर के शिवलिंग खड़ा कर देता था बर्फ का। इसका मतलब पहले भी ओरिजिन था, असली था या नकली बनाया जाता था? पहले भी नकली बनाया जाता था और बाद में भी नकली बनाया गया। अभी भी अगर बनता है तो नकली है, बर्फ का लिंग नहीं होता, वो तो हद की बात, अभी बेहद की बात। शिव की पूजा सिर्फ एक इंद्रिय के रूप में होती है। कौन सी इंद्रिय है? लिंग रूप में। और देवताओं की पूजा सब प्रकार की इंद्रियां दिखाई जाती हैं। यादगार कहाँ की है? हैं? संगम युग की यादगार है। विष पीने वाला दिखाया गया है तो सबसे जास्ती विषय विकार बढ़ाने वाली इंद्रिय कौन सी है? जिसे काम इंद्रिय कहा जाता है, काम जीते जगत जीत कहा जाता है। कामदेव को भस्म करने वाला कहा जाता है। तो जिसने उस इंद्रियों को जीत लिया, बाप भी कहते हैं,
अंत में तुम बच्चों की योग बल से ऐसी अवस्था हो जाएगी कि तुम्हारी कर्म इंद्रियां शीतल हो जाएंगी। नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार तो बर्फ का लिंग होने की बात नहीं है, शीतलता क्या अर्थ है उसका है? हाँ, वो कर्मेंद्रियों में शीतलता अनुभव होगी अनुभव करने वालों को। विचार की मार अनुभव नहीं होगी। और जो ध्यान फर्क और पर समाधि का फर्क क्या है? योग और ध्यान फर्क निस्संकल्प पर समाधि भी कहते हैं बुद्धि को, ज्ञान बुद्धि ऑन कर दी तो क्या हो गया? बुद्धि को ऑफ न करो, क्या करो? ऑन करो, वो है ध्यान और वह है योग। आत्मा के अंदर जो भी अल्प बुद्धि है उसको युक्त करें, जोड़ दें। किसके साथ? सुप्रीम सोल के साथ। तो कह दिया योग। तो जो भी आत्मा रूपी बुद्धियां हैं, मन बुद्धि को ही आत्मा कहा जाता है, वो ऑन कब होती है और ऑफ कब होती है? भगवान बाप आते हैं तो बुद्धि ऑन होती है, और देहधारी गुरुओं के द्वारा बुद्धि ऑफ हो जाती है। तो ध्यान को योग कहा जाता है। मुनि ने कहा ध्यान निकल में नहीं जाना है, साक्षात्कार। वो ध्यान भी दो तरह का है, जैसे साक्षात्कार दो तरह का बताया है। एक है बुद्धि का साक्षात्कार, वो ज्ञान से जुड़ा हुआ है, और एक है बंद आंखों का साक्षात्कार। धृतराष्ट्र की आंखें बंद थी या तीसरा नेत्र खुला हुआ था? बंद आंखें थी। और निश्चंकल पर समाधि अखंड मानल किसे कहते हैं? अखंड मानल खंडित दान और अखंड दान, खंडित मूर्ति और अखंड मूर्ति। खंडित ज्ञान और अखंड ज्ञान, खंडित बुद्धि और अखंड बुद्धि, खंडित मत मति मति माने बुद्धि और अखंड मति। क्या अर्थ हुआ? अखंड माना जो लगातार चलता रहे, खंडित ना होने पाए। जैसे निश्चय बुद्धि और अनिश्चय बुद्धि, बाप की पहचान में आदि से अंत तक निश्चय बुद्धि है। तो कैसी बुद्धि है? खंडित है या अखंडित है? अखंड है, अखंड बुद्धि है। अगर बीच बीच में निश्चय उखड़ता रहता है, बाप के ऊपर अनिश्चय आ जाता है, तो कैसी बुद्धि कहेंगे? खंडित बुद्धि। समझ में आया? हाँ जी।
और पाप करते हो दिल और मन तो एक ही बात हो गई। जो मन है वो ही दिल है। मन बुद्धि और संस्कार ये तीन शक्तियां आत्मा की हैं और आत्मा को राजा कहा जाता है। राजा उत्तमांग में बैठता है। राजा ऊंची गद्दी पर बैठता है या प्रधानमंत्री ऊंची गद्दी पर बैठता है? एक होता है प्रधानमंत्री महाअमात्य और एक होता है सेनापति। तो राजा ऊंची गद्दी पर बैठता है या मंत्री ऊंची गद्दी पर बैठते हैं? आंखों का स्थान और मन बुद्धि रूपी आत्मा का स्थान दोनों में ऊंचा स्थान किसका है? है? मन बुद्धि रूपी आत्मा का स्थान उसका नाम है उत्तम अंग। कैसा अंग? उत्तम से उत्तम अंग, उत्तम अंग प्रकृति का मध्य। उसके नीचे दिखाई जाती है आत्मा, आत्मा की आंखें जिसे सारे राज्य को राजा देखता है। तो आंखों को प्रायोरिटी दें या आत्मा के ऊपर कंसंट्रेशन की प्रायोरिटी दें? प्रमुखता किसकी है? आत्मा की प्रमुखता है। आत्मा ही पाप करती है, माना मन ही पाप करता है। मन को कंट्रोल कर लिया जाए तो आंखें कुछ नहीं कर पाएंगी। ऐसे कई बार मिसाल दिया है, जो आशिक होते हैं वो मासूक की याद में कारखाने में काम करते रहते हैं या रास्ता चलते जाते हैं, उनकी आंखों के सामने से कोई निकल जाता है, उन्हें ध्यान ही नहीं रहता कौन निकल गया, आंखें खुली हुई हैं। आंखों ने क्यों नहीं देखा? क्योंकि मन मासूका में लगा हुआ है। इसलिए आंखें मुख्य नहीं है और कर्मेंद्रियों में आंखें मुख्य हैं, लेकिन मन के मुकाबले आंखें नीची स्टेज में। मन कंट्रोल कर लिया तो आंखें भी कंट्रोल हो जाती है। इसलिए मन को ग्यारहवीं इंद्रिय कहा जाता है शास्त्रों में। है हाथ उठा के बोलो। बोला गया है कि सुंदरती अपनी को प्रत्यक्ष नहीं करते, अपने पाप को प्रत्यक्ष करते हैं। और मुरली में ये भी बोला गया कि सब कोई अपने अपने मुख से अपने पाप को प्रत्यक्ष करे, तो कॉन्ट्रास्ट हो जाती है बातें। सब अपने अपने पार्ट के आधार पर अपने को प्रत्यक्ष करेंगे, लेकिन जो प्रत्यक्ष करने वाली आत्माएं हैं उन आत्माओं के अंदर प्रत्यक्षता कौन करेगा? मान लो राम की आत्मा है, वो अपने पार्ट के द्वारा अपनों को प्रत्यक्ष करेगी संसार में, लेकिन राम की आत्मा के अंदर ये किसने प्रत्यक्ष किया?
चित्तम आत्मा राम की आत्मा हो है? शिव बाबू जैसे राम के लिए वैसे ही सब बच्चों के लिए बाप तुम बच्चों को इशारा देते हैं। जो सूर्यवंशी देवता कुल के बच्चे हैं वो इशारा ही उनको काफी है, इशारे से प्रत्यक्षता को पकड़ लेते हैं, उनको उंगली दिखाने की जरूरत नहीं, मुख से बोलने की दरकार नहीं, वाचा चलाने की दरकार नहीं, कोई एक्ट करने की दरकार नहीं। तो कंट्रास्ट हुआ? कंट्रास्ट नहीं है। और अतिलु की जो राधा कृष्ण है उनका जन्म 2018-19 में होने वाला है कि 2036-37 में होने वाला? कृष्ण का जन्म 2018 में दिखाया है। लेकिन शास्त्रों में जिस कृष्ण की बात आई है वो संगमी भी कृष्ण है या सतयुग का कृष्ण है? तो संगमी भी कृष्ण 18 में होगा या सतयुग का कृष्ण 18 में होगा? संगम युगी कृष्ण के साथ कंस होता है, जरासंध होता है, शिशुपाल होता है, और सतयुगी कृष्ण के साथ ऐसा दुनिया में कोई नहीं होगा। तो ये भी बताया जहां पतित होंगे पतितों की दुनिया में एक भी पावन नहीं होगा, और जहाँ पावन देवताएं होंगे वहां पावन देवताओं के साथ एक भी पतित नहीं होगा। और भीम के मतलब क्या होगा? भीम माना भयंकर। 5 पांडव दिखाए जाते हैं, उनमें देह का आकार प्रकार भयंकर किसका दिखाया जाता है? भीम का। सिर्फ देह का आकार प्रकार ही भयंकर नहीं है, उसका पेट भी भयंकर है। बुद्ध रूपी पेट भयंकर है और देह से जो कर्म किए हैं वो कर्म भी 5 पांडवों के मुकाबले भयंकर दिखाए गए हैं। 100 कीचकों का वध अकेला भीम करता है। कीचक की परिभाषा मुरली में बताई है, जो ब्रह्मा कुमारियों के पीछे पड़ते हैं, उन गंदे डर्टी ब्रूस को कहा जाता है कीचक। भगवान के ऊपर जो अर्पण हो गई उनका भी पूछा करते हैं, उनको भी नहीं छोड़ते। ऐसे कीचकों का वध करते हुए भीम को दिखाया है। फिर हेडम्ब जैसे अनेकों राक्षसों का वध करने वाला भी भीम को दिखाया है, और 100 कौरवों का वध करने वाला भी भीम को दिखाया है। तो भयंकर कर्म करने वाला है। ऐसे ही भीम माना भयंकर। और अभी गौरव को किसी का भयंकर रूप दिखाई दे रहा है, बारिश इतना हो रहा है चारों तरफ सब धुआ दे रहा है, लगातार 2 महीने से बारिश हो रहा है।
फसल नष्ट हो रहा है। उत्तर मेरू में भी बर्फ गल रहा है। क्या उत्तर मेरू में जो बर्फ है? हाँ जी हाँ जी गल रहा अभी। हाँ जी इसका होता है क्या इशारा है? जबकि अभी एटम बम फटे नहीं है तब ये हाल है, और जब शहर वाई शहर एक एक करके एटम बम फटते जाएंगे तब क्या हाल होगा? हैं? लोग कहेंगे ऐसा तो प्रकृति का भयंकर रूप हमेशा से ही होता चला आया। जो भी होता है नया ही नया होता है सृष्टि रूपी रंगमंच पर, लेकिन जब अति होती है उसका अंत कहा जाता है। तो प्रकृति अति का रूप धारण करे तब प्रकृति तामसी रूप को त्याग देगी, अंत हो जाएगा, प्रकृति दासी बन जाएगी। आ जाएगी। और हाथ उठा दो तुमने पक्का समझ लिया हो तो और क्लियर कर दो। क्या पूछ रहे हैं? अरे सुन तो रहे हैं, दिखाई नहीं पड़ रहे तो क्या हुआ? मन बुद्धि से सरेंडर नहीं होगा तो वो सरेंडर माना जाएगा क्या? हैं? वैश्या तन अर्पण करती है लोगों के सामने, अपना धन भी अर्पण कर देती है, लेकिन मन से किसी दूसरे को चाहती है तो संपूर्ण सरेंडर कही जाएगी? नहीं कही जाएगी। जिसकी मन बुद्धि पूरी अर्पण हो गई, जहां हमारा मन होगा वहां हमारा तन होगा, जहां हमारा धन होगा वहां हमारा मन होगा। मन मूल है, यहाँ मन को ही अमन बनना सिखाया जाता है, मन को ही स्वाहा करना सिखाया जाता है। हमारी ज्ञान यज्ञ का नाम क्या है? अविनाशी अश्वमेध रुद्र ज्ञान यज्ञ। ये मन रूपी घोड़ा है, इसको अर्पण कर दिया, स्वाहा कर दिया, तब ही कहा जाएगा समर्पित। सम माना संपूर्ण, अर्पित माना अर्पण करने वाला, संपूर्ण अर्पण करने वाला। कोई कहे सिर्फ मुख से हम तो मन बुद्धि से सरेंडर हैं, तन से और धन से अर्पण नहीं हो पा रहे हैं तो क्या बड़ी बात है? बाबा ने कहा मन बुद्धि से अर्पण हो जाओ। तो ये सच्ची बात है या झूठी बात है? ये झूठी बात है। मन बुद्धि से कोई अर्पण हो जाए 100% तो उसका तन और उसका धन कहाँ जाएगा?
अर्पण में स्टेज में ही जाएगा और उसकी निशानी होगी मन दर्पण बन जाएगा, ज्ञान का दर्पण। मन में मनन चिंतन मंथन खुल जाएगा, आत्मा के अनेक जन्मों की कहानी खुलने लगेगी। जैसे शीशे में अपना चेहरा भी दिखाई पड़ता है और दूसरों का भी चेहरा दिखाई पड़ने लगता है। जितना अर्पण में उतना दर्पण पावरफुल होगा।